हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल राइजिंग मार्केट में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करना, कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करना। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप उस पर में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब का बटन अब भी दबाएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे फ्रीलांसर और ट्रूलांसर और अपवर्क जैसे अच्छी और जानी मानी लेजिट वेबसाइट में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और उन लोगों को प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, कौन सी गलतियां वो लोग करते हैं जिस हिसाब से उन लोगों को प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, बिड करते हैं लेकिन गलत प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ये पार्ट 3 है, अब पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा ये वीडियो देखने के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अब मैं freelancer.in वेबसाइट में आ गई हूँ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह लोगों को चीट किया जाता है, किस तरह क्लाइंट्स ऐसे बहुत कम होते हैं लेकिन क्लाइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको चीट किया जाता है और आपको आपका जो बिड होता है वो वेस्ट होता है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह जो प्रोजेक्ट नया आता है वो जल्दी डिलीट हो जाता है और उस पे आप गलती से बिड कर लेते हो तो आपका बिड वेस्ट हो जाता है, क्योंकि क्योंकि एक एक बिड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो बिगनर होते हैं उन लोगों के लिए। जो प्रीमियम वाले होते हैं उनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो नए होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक बिड होता है, क्योंकि एक एक बिड में आपको एक प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेटा एंट्री लेस देन अ मिनट अगो या फिर 4 मिनट्स अगो ये प्रोजेक्ट आया है यहाँ पे। ओके, तो मैं अब ये ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं दिस प्रोजेक्ट डजंट एग्जिस्ट। तो आप सोच सकते हैं जो 4 मिनट्स अगो जो प्रोजेक्ट आया है वो तुरंत ही डिलीट हो गया। ऐसा होता है कई बार, कई क्लाइंट्स गलती से डाल देते हैं या फिर कुछ गलतियां होती या फिर जानबूझ के वो डालते हैं। ओके, तो वो तुरंत ही डिलीट कर लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है कि कोई नया प्रोजेक्ट आया है तो आपको तुरंत ही उस पे बिड नहीं करना है। आपको पहले थोड़ी देर देखना है या फिर आपको अपडेटेड रहना होगा अगर आप किसी भी एक प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे अगर 10 या 20 बिड हो जाए उसके बाद आप बिड करते हो तो वो चलेगा और आपका बिड भी वेस्ट नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको चीट किया जाता है और आपका जो बिड होता है वो वेस्ट होता है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी नया जो प्रोजेक्ट आए उसमें थोड़ी देर के बाद बिड करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आप अप्लाई कर लेते हो और तुरंत ही वो डिलीट हो जाता है या फिर थोड़ी देर के बाद वो डिलीट हो जाता है। तो यही बात कहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।